नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की रेसिपी है अरबी के पत्ते की चटपटी सब्जी। एकदम नए तरीके से हम बताएंगे दोस्तों, और इस सब्जी में कौन कौन से मसाले पड़ने वाले हैं वो भी आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अरबी के पत्ते को धो लेना है, और धोने के बाद उसको अच्छी तरह से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद दोस्तों अरबी के पत्ते के में डंठल होता है, ये देखिए, तो डंठल को हमें इसको कट कर लेना है। और डंठल के बाद दोस्तों पत्ती में बीचों बीच यहाँ पर डंठल रहता है, उसको थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि मुलायम हो जाए हमारा पत्ता। तो ये देखिए दोस्तों, पहला हमारा तैयार हो गया है पत्ता। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर सारे अरबी के पत्ते के डंठल और जो पत्ती में बीचों बीच डंठल होता है उसको कट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह हमें दोस्तों कट करना है, पूरा डंठल कट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर पांच पत्ते तैयार कर लिया हूँ दोस्तों, और अब हम इन पत्तों को कट करना है दोस्तों बारीक चॉप करके। तो हम इन पत्तों को पहले फोल्ड कर लेंगे, इस तरह फोल्ड करना है दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद दोस्तों नाइफ लेंगे, और नाइफ से बीचों बीच इस तरह कट कर लेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों इस पत्ते को बारीक चॉप कर लेंगे दोस्तों। तो चॉप करने से दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमारी यहाँ पर अरबी के पत्ते की वड़ी बनती है दोस्तों। तो वड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर अरबी के पत्ते ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आधा चम्मच मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच, बड़े चम्मच है दोस्तों, तो 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन ऐड किया हूँ बाइंडिंग करने के लिए। इसके बाद दोस्तों इस सब्जी को चटपटा करने के लिए मैं यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड कर दिया हूँ। बहुत बढ़िया दोस्तों चटपटी सब्जी तैयार होगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मिश्रण तैयार होने के बाद दोस्तों इस मिश्रण को लंबा लंबा हमें यहाँ पर बेल करके रख लेना है, और फिर इस मिश्रण को दोस्तों भाप में पकाएंगे। तो भाप में पकाने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और फिर इस दोस्तों हमें यहाँ पर एक रिंग ऐड करना है। और रिंग के बाद दोस्तों इस तरह का बर्तन लेना है, छेद वाला बर्तन दोस्तों लेने से बहुत अच्छे से दोस्तों ये हमारा वड़ी तैयार होती है। तो ये देखिए दोस्तों, जो मिश्रण हम लंबे स्लाइस में बेल करके रखे थे उसको इस प्लेट में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद दोस्तों लो फ्लेम में हमें इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पका लेना है दोस्तों। तो 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, और बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर वड़ी का जो मिश्रण है वो अच्छे से पक गया है दोस्तों। तो ठंडा होने के बाद दोस्तों इस वड़ी को हम कट करेंगे 1 इंच के दायरे में। तो वड़ी कट करने के बाद दोस्तों इस वड़ी को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्प करेंगे। तो क्रिस्प करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया हूँ, और इस कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर अरबी के पत्ते की बनी हुई वड़ी ऐड करेंगे दोस्तों। वड़ी को ऐड करने के बाद दोस्तों 2 से 3 मिनट तक चम्मच से इसको ऐसे ही चला चला कर थोड़ा सा क्रिस्प करना है दोस्तों। जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी ना, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों स्वादिष्ट हमारी सब्जी तैयार होगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमारी वड़ी क्रिस्प हो गई है। इसको हम बाहर निकाल करके रख लेते हैं। इसके बाद चटपटी सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैं उसी कढ़ाई को ले लिया हूँ। इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे 2 चम्मच। इसके बाद दोस्तों आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, और जीरा के बाद दोस्तों आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, छोटे वाले। इसके बाद दोस्तों चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 2 प्याज बारीक चॉप करके ऐड किया हूँ, और इसको भी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो प्याज को यहाँ पर 2 मिनट तक दोस्तों मिक्स करना है ताकि हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाए तब हम यहाँ पर सूखे मसाले ऐड करेंगे।
आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मैजिक मैगी मसाला ऐड किया हूँ, पूरा पैकेट दोस्तों यहाँ पर मैगी मसाला ऐड कर देंगे सब्जी वाला, और इसको अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेंगे। और इन मसालों को दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों खुशबू आ रही है, तो एक मिनट तक मिक्स करने के बाद अब बारी है यहाँ पर दो टमाटर का पेस्ट ऐड करने की। ऐड करने के बाद दोस्तों मिक्स कर देंगे मसालों के साथ, और मिक्स होने के बाद दोस्तों अब हमें इसे पकाना है दोस्तों, तो ढक देते हैं 3 मिनट तक दोस्तों। और 3 मिनट के बाद दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं मसाला और टमाटर कितना बढ़िया यहाँ पर पक के रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों मसाला हमारा तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद दोस्तों अब हमें इसे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और ग्रेवी के लिए पानी ऐड करने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हमें इसे ग्रेवी को पकाना है दोस्तों। तो अच्छी तरह से दोस्तों इसको पका लेते हैं पहले, और जब ये अच्छी तरह से ग्रेवी पक जाएगी तब हमें यहाँ पर अरबी के पत्ते की बनी हुई वड़ी ऐड करेंगे दोस्तों। तो वड़ी को मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर दूंगा चॉप करके। इसके बाद दोस्तों स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो मिक्स हो गया है दोस्तों, अब हमें इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है दोस्तों। 5 मिनट ना बहुत बढ़िया दोस्तों ये सब्जी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर कैफ को निकाल करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारी यहाँ पर सब्जी तैयार हुई है, तो इसे हमें एक बार मिक्स करके देख लेते हैं। तो चम्मच से इसको बढ़िया तरह से मिक्स करके ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लाजवाब दोस्तों अरबी के पत्ते की सब्जी एकदम नए तरीके से दोस्तों ये सब्जी तैयार हुई है। तो इस सब्जी को आप चावल के साथ या रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों लगेगी, उंगलियां चाटने पर दोस्तों मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी दोस्तों ये बनी हुई है। आई होप आपको ये सब्जी का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।